हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय इडन। और आज का वीडियो है कि हम अपने रैबिट्स के साथ बॉन्ड कैसे करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि हमारे रैबिट्स शायद हमें पसंद नहीं करते, हमें बाइट करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि रैबिट्स के साथ बॉन्डिंग कैसे की जा सकती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं दिखाऊंगी कि हमारे गुडी बैग्स पैक हो गए हैं और बस शायद जब ये अपलोड करूंगी वीडियो तो मैं इसको डिस्पैच कर चुकी होंगी। और फाइनली ये हमारे गिफ्ट्स पैक हो गए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज के टॉपिक की कि हम अपने बनीज के साथ यानी कि रैबिट्स के साथ बॉन्डिंग कैसे कर सकते हैं। ये देखो, अभी ये मेरे ट्राईपोड के साथ खेलने में लगा है, इसको लग रहा है कि क्या चीज़ आ गई है रूम में। तो सबसे पहली चीज़ कि रैबिट्स जो होते हैं वो प्रे एनिमल होते हैं। प्रे एनिमल का मतलब है, देखो दो तरह के एनिमल्स होते हैं, एक होता है प्रे एनिमल, एक होता है प्रीडेटर। प्रे एनिमल वो एनिमल्स होते हैं जो प्रीडेटर्स का शिकार बनकर उनके लिए फूड के रूप में बन जाते हैं। लाइक प्रीडेटर्स उनका शिकार करते हैं और उनको खाते हैं, वो होते हैं प्रे एनिमल्स। और प्रीडेटर वो होते हैं जो शिकार करते हैं अपने से छोटे जानवरों का, वो होते हैं प्रीडेटर्स। जैसे डॉग प्रीडेटर में आता है, कैट प्रीडेटर में आता है, और रैबिट्स, गिनी पिग्स, माउस, ये सब प्रे एनिमल्स में आता है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको बॉन्डिंग करवानी है रैबिट, कैट, डॉग इनकी, तो मैं पर्सनली कभी भी एडवाइस नहीं करती। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें रैबिट्स के साथ बॉन्डिंग यानी कि ह्यूमन बॉन्डिंग यानी कि हम अपने पेट रैबिट के साथ बॉन्ड कैसे करें। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ कि आप अपने रैबिट के साथ दोस्ती यानी कि बॉन्डिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अपने खरगोश को आप कभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी उठाएं, वरना ना उठाएं। क्योंकि रैबिट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रे एनिमल कैटेगरी में आता है, तो इनको उठाना अच्छा नहीं लगता। इनको लगता है कि जब ये ज़मीन से थोड़ा सा हाइट पे उठाए जाते हैं तो इनको प्रीडेटर्स ने उठा लिया। इसलिए सबसे पहला पॉइंट हमेशा ध्यान रखें, अगर आप नए बनी पेरेंट्स हैं और आप नया नया बनी अपने पास लेकर आए हैं, रैबिट अपने पास लेकर आए हैं, तो उसको कम से कम अपनी गोद में उठाएं। तो पहली चीज़ ये हो गई कि आप उनको पिक नहीं करेंगे। कई लोग रैबिट्स इसलिए लाते हैं कि उनको एक पेट चाहिए कडल करने के लिए, यानी कि पैम्पर, प्यार करने के लिए, हग करने के लिए, गोद में उठाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर कर दूं कि रैबिट्स कडल एनिमल नहीं होते। रैबिट्स के साथ आप जैसे कि डॉग के साथ मस्ती कर सकते हैं वैसी नहीं होती, बट ये अपने आप में ही इतने प्यारे ये देखो, चीकू बाबू, अभी हम लोगों को बता दें चीकू कि आपके साथ प्यार कैसे करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप इसको गोद में ना उठाएं, क्योंकि गोद में उठाने से क्या, दूसरा पॉइंट भी ये हो सकता है। पहली चीज़ तो वो आपके साथ बॉन्ड गोद में उठाने से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरी चीज़, गोद में उठाने से एक ये ड्रॉबैक हो सकता है, यानी कि ये हो सकता है कि वो आपके गोद से झटपटा कर गिरने की कोशिश करे। और मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि जब रैबिट गोद से गिर जाता है तो उसकी कोई ना कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है, या उसकी जो हम रीढ़ की हड्डी इंसानों में बोलते हैं वो हड्डी होती है वो टूट जाती है, या उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे उसको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं अगर वो हल्की सी ज़्यादा हाइट से गिर जाए, और झटपटाकर गिरे तो बिल्कुल हो सकते हैं। पहली चीज़, अगर आपको अपने रैबिट के साथ बॉन्ड होना है तो उसको गोद में बिल्कुल भी नहीं उठाना। आपको क्या करना है बॉन्ड करने के लिए, आपको ज़मीन पे उसके लेवल में बैठना है, यानी कि जैसे आपका रैबिट यहाँ बैठा हुआ है तो आप उसके पास बैठें। जैसे मैं मैक्सिमम, अब तो इनको मेरे पास बहुत टाइम हो गया तो अब ऐसा कुछ नहीं है बॉन्डिंग वाला सिस्टम, ये अब बिल्कुल बहुत ज़्यादा फैमिलियर है मेरे से और मतलब मेरी फैमिली से। तो मफिन को बॉन्ड होते हुए सबसे ज़्यादा टाइम लगा। ये डिपेंड करता है, जैसे सारे इंसान एक जैसे नहीं होते, वैसे सारे रैबिट्स भी एक जैसे नहीं होते, सबका नेचर अलग अलग होता है। इन तीनों के नेचर इतने डिफरेंट हैं, अगर आपको इनके नेचर से रिलेटेड कुछ वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। दूसरी चीज़ है, आपको बॉन्ड होने के लिए इनके लेवल में बैठना है। लाइक यहाँ पे जैसे ये बैठा हुआ है तो आप उसके पास में बैठें, वो अपने आप ऑटोमेटिकली, आप उसको टच नहीं करें, टच करोगे तो वो आपसे दूर भागेगा, उसको छुओ नहीं, आप सिर्फ उसकी जगह पे जाकर उसके पास बैठो और हाथ में थोड़ा सा उसका फेवरेट फूड ले जाना, जैसे कि कोई छोटा सा गाजर का टुकड़ा अगर वो एडल्ट है तो,
मतलब अगर वो 5 महीने से बड़ा रैबिट है तो, अगर 5 महीने से छोटा है तो उसके लिए पैलेट्स आप ले लो, जो चीज उसको अच्छी लगती है वो चीज आप अपने हाथ में रखो, और जैसे ही वो आपको स्मेल करेगा, आपके पास आएगा, आप उसको छोटा सा टुकड़ा वो दे सकते हो। बहुत ज्यादा मीठा हम इनको नहीं देते हैं। इनकी मेन जो डाइट है वो है ग्रास है, मैं हर वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर भी लोगों की क्वेरीज होती है कि हम ये खिलाते हैं वो खिलाते हैं। मैं आपको सच्चे दिल से एक बात बताना चाहती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है, मैं बहुत इमोशनल हूँ एक्चुअली, और मुझे लिटरली बहुत दुख होता है जब मैं ऐसी सिचुएशंस देखती हूँ। मैं किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मतलब लिटरली समटाइम्स आई वॉज क्राइंग कि यार मेरा इतना समझाने के बाद भी क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। मतलब ये इतने प्यारे हैं ना, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती, शायद मेरे वर्ड्स कम हो जाएंगे। इतना भोला जीव है ना, मतलब इतना भोला है ना, आई कांट एक्सप्रेस। खैर एनीवे, तो आप उसके साथ में, उसके बिल्कुल जैसे ये यहाँ है तो आप यहाँ बैठे, अपने हाथ में कुछ उसके लिए उसका फेवरेट फूड लेके जाएं। 5 महीने से बड़ा है तो मैंने आपको बता दिया है, डाइट की वीडियो आप आई बटन पे चेक कर सकते हैं। तो उसके पास बैठे, उसको मौका दें। आप सोच रहे हैं कि यार वो 2 महीने में हमसे बॉन्ड हो जाए, मैं अपनी स्टोरी आपको बताऊंगी। मफिन को बॉन्ड होते होते आई थिंक 1 ईयर लगा, यस, और वो स्टिल अभी भी वो बॉन्ड है, वो हमसे डरता नहीं है, प्यार करता है, हमारे ऊपर चढ़ता है अगर हम नीचे बैठते हैं, बट उसको स्टिल अभी भी गोद में उठाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे चीकू को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, चेरी को तो बिल्कुल भी नहीं होती, बट मफिन को अगर गोद में, मफिन अगर हम लोगों को देखता है कि हम सारे लिविंग रूम में हैं, तो मफिन वहां से एकदम से भाग जाता है। उसको लगता है कि यार ये तो सब लोग बैठे हैं, आप मुझे तंग करेंगे या मुझे बुलाएंगे या मुझे पैटिंग करेंगे, तो मेरे को नहीं पसंद। उसको इस पूरे घर में सिर्फ चेरी के अलावा कोई पसंद नहीं है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं आज रैबिट लेकर आया हूं तो 10 दिन में ये मेरे साथ दोस्ती कर ले, मुझे प्यार करे, मुझे किसिस करे, मुझे लिक करे, मुझे चाटे, ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है। आप अगर किसी को लेकर आते हो तो आपके इमोशंस उसके साथ जुड़े होने चाहिए, ना कि आप टाइम पास के लिए उसको लेकर आओगे और अपने स्वार्थ के लिए उसको लेकर आओगे। हाँ, एक कहावत होती है हमेशा प्यार में कि जो जैसा है आप उसको वैसा स्वीकार करो, राइट? तो अगर वो प्रे एनिमल है, अगर उनको डर लगता है, अगर उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो मुझे लगता है हमें उसी तरीके से उनको अपनाना चाहिए। अगर हमें लगता है कि उनको गोद में उठाना पसंद नहीं है, तो हम उन्हें अननेसेसरी वर्ड इसलिए लगा रही हूँ, कई बार बहुत मजबूरी होती है कि मुझे जैसे शफल करना पड़ता है, या जब मैं बॉन्डिंग करा रही होती हूँ तो मुझे एकदम से कभी फाइट हो जाए तो मुझे उनको सेपरेट करना पड़ता है। चेरी मफिन की बात मैं कर रही हूँ, तब मुझे उनको गोद में उठाना पड़ता है। या मैं इनकी ग्रूमिंग कर रही होती हूँ तो मुझे गोद में उठाना पड़ता है, मैं नेल्स काटती हूँ तो मुझे गोद में उठाना पड़ता है, या कई बार बहुत प्यार आ जाता है तो मैं कम हाइट पे मैक्सिमम उठाने की कोशिश करती हूँ, और ऊपर थोड़ा सा हाइट में, लाइक स्टैंडिंग अगर आप खड़े हो तब तो आप बिल्कुल ट्राई नहीं करें इसको उठाने का, मेरे ख्याल से वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो आपको क्या करना है, जमीन पे बैठना है, उसका फेवरेट फूड लेना है, छोटी सी गाजर ले सकते हो, थोड़ा सा केला ले सकते हो, और उसके साथ जैसे आप अपने फोन में कुछ कर रहे हो या वीडियो देख रहे हो, तो आप जमीन पे उसके एरिया में बैठ जाओ। आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो तब भी आप जमीन पे उसके एरिया में बैठ सकते हो, तो उसको लगेगा ये हमारे साथ वक्त बिता रहा है, ये हमारा दोस्त है। ऐसा ही आप कंटिन्यू करें, लाइक 2 दिन, 4 दिन, जब भी आपके पास वक्त है आप बेड की जगह उसके एरिया में जाकर वहां पे थोड़ा सा स्पेस लेकर आप बैठ जाएं। उसको इंटरेक्ट मत करें, उसको तंग नहीं करें, उसको पैटिंग करने की कोशिश मत करें, कुछ मत करें, बस कुछ दिन आपको उसके पास बैठना है। सेकेंड चीज आप ये कर सकते हो कि जैसे आप उसके पास बैठे हो और वो आपके पास आता है, तो उसका जो फोरहेड वाला हिस्सा होता है, मैं अभी शो करती हूँ चीकू का, पास जाकर वहां पे आप हल्के से हाथों से ऐसे करके रब कर सकते हो। रैबिट्स को किस एरिया में रब कराना अच्छा लगता है और किस एरिया में रब कराना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो भी मैं दिखाती हूँ। एक्चुअली ये खा रहा है तो मेरा भी मन नहीं कर रहा है इसको डिस्टर्ब करने का, बट आप लोगों को गाइड करने के लिए मैं 2 सेकंड के लिए इसके पास जाती हूँ, देन मैं आपको बताती हूँ। सी, जैसे ये अगर आपके पास आया तो आप इसके इस वाले एरिया में हल्का सा इस टाइप से आप ऐसे ऐसे करेंगे, मतलब मैं ऐसे करती हूँ तो इसकी आंखें बंद हो जाती हैं और इसको इतना अच्छा लगता है, ये तो इतना, मतलब इसको इतना एडिक्शन है ना इस वाले हेड रब का, आधा घंटा करते रहो इसको, इतना मजा आता है, मतलब मैं थक जाऊंगी, मोगी जी को जा तू।
तो बट ये तब भी नहीं जाएगा, मतलब इसको बहुत अच्छा लगता है। और चैरी चैरी तो इसका भी मतलब महान है इस मामले में, वो तो पूरा अपनी गर्दन नीचे रख देगा और वो तो ऐसे फैल जाएगा, उसको इतना ज्यादा मजा आता है, इतना ज्यादा मजा आता है ना। मफिन को बिल्कुल पसंद नहीं है, वही मैं कह रही हूँ ना कि सबका नेचर अलग होता है। तो जैसे अगर ये आपके पास आए तो आप इसको सिर्फ हेड रब दो हल्के हाथों से, बहुत ज्यादा तेज तेज नहीं, हल्के हाथों से हेड रब दो बस ऐसे। बैक पे हाथ नहीं लगाना, इनको बैक पे हाथ लगाना कम पसंद है, सिर्फ हेड रब दो। इसके अलावा स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं करना, धीरे धीरे आप देखोगे जब आप उसको अच्छे से हेड रब दोगे, वो आपका हाथ लिक करना स्टार्ट करेगा, आपका पैर लिक करना स्टार्ट करेगा। बस उसको थोड़ा सा वक्त दो, अच्छा खाना दो, अच्छी स्पेस दो, हेल्थी लाइफस्टाइल दो, वो धीरे धीरे उसको खुद पता लगेगा कि हाँ ये इंसान मुझे हर्ट नहीं करेगा, ये इंसान मुझे प्यार करेगा। एक्चुअली ये केसेस हमारे साथ बहुत सारे तब सुनने में आते हैं जब वो लोग थोड़ा बड़ी एज का रैबिट अडॉप्ट करते हैं। उसके पीछे बहुत सारी बातें होती हैं, लाइक उनका पहले का लाइफ कैसा रहा है, क्योंकि अभी भी इंडिया में रैबिट्स को उस तरीके से नहीं लोग रखते हैं जिस तरीके से उनका लाइफस्टाइल होना चाहिए। हेलो बेबी, तो देखो अभी मेरे पास आ गया चीकी नोना, बस मुझे लिक करेगा और चला जाएगा, बदमाश बच्चा। तो इसलिए समटाइम्स मुझे लगती है ये बातें। तो क्या होता है कि उनका पहले का लाइफ कैसा रहा है, कई बार उनको ह्यूमंस पे, इंसानों पे ट्रस्ट होते हुए टाइम लगता है, विश्वास करते हुए टाइम लगता है, क्योंकि उनको अच्छे तरीके से रखा नहीं गया होता। कई बार होता है कि वो जब छोटे छोटे होते हैं और आप पेट शॉप से लेकर आते हो, मैं किसी दिन आपको पेट शॉप की सच्चाई का वीडियो बनाऊंगी, आपका दिल रो पड़ेगा, मतलब सच बता रही हूं मैं। इसलिए मैं हमेशा मना करती हूँ कि आप पेट शॉप से ना लेकर आए, आप कहीं से अडॉप्ट करें जिसको एक वाकई में एक घर चाहिए। पेट शॉप वाले सिर्फ इनके बच्चे पैदा कराते हैं सिर्फ पैसा बनाने के लिए, इनको बेचने के लिए। और मैं जानती हूँ जो मेरी वीडियो पे मैक्सिमम डिसलाइक्स होते हैं, कुछ बहुत वियर्ड कमेंट्स होते हैं, कुछ गालियां होती हैं लिटरली, कई बार तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगी, मतलब ऐसी अब्यूसिव लैंग्वेज होती है, कुछ गालियां तक होती हैं। तो मुझे लगता है कि यार मैंने कोई वीडियो में ऐसी चीज तो नहीं बताई कि मुझे शायद कोई अब्यूज करेगा, आई फील बैड। तो मुझे लगता है कि ठीक है, मैं जो चीज़ करना चाहती हूँ, जो लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ, मैं करूँगी, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों से जो डिसलाइक करते हैं, जो मैं वो गालियाँ डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरी फैमिली अगर पढ़ेगी तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। बैड कमेंट्स नहीं आते, बट हाँ सीधा गाली आती है, तो बैड कमेंट्स मैं डिलीट नहीं करती। मुझे लगता है ठीक है, लोग आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे, आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, आपको मानना पड़ेगा, बट गाली थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो एनीवेज वो छोड़ो, तो वही मैं बता रही थी कि जब पेट शॉप से आप लाते हो तो हमें नहीं पता कि उनको किस कंडीशन में वो हम लोग वो पेट शॉप वाले यहाँ लेकर आए हैं, क्योंकि वो 20-25 दिन का बच्चा बेचते हैं, उस उनके दिमाग में क्या असर कर जाती है ऐसी बातें जिससे वो ह्यूमन टच से, ह्यूमन से डरते हैं। मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ, जो मेरा चीकू है ये मेल्स के साथ कंफर्ट नहीं होता, फीमेल्स के साथ ये थोड़ा सा कंफर्ट हो जाता है। लाइक मेरे घर में कोई फीमेल आती है, मेरी फ्रेंड आती है, या कोई भी घर से आता है, तो फीमेल्स के साथ ये फिर भी थोड़ा सा फैमिलियर हो जाता है। बट अगर मेरे घर में कोई जैसे प्लम्बर मैं बुला रही हूँ, इलेक्ट्रिशियन बुला रही हूँ, तो चीकू बहुत तेज भाग कर अपने हाइडी हाउस में घुस जाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद इसका जो पहले का रहा होगा, जो भी रहा होगा जब ये छोटा होगा मेरे पास आने से पहले, तो शायद वो किसी मेल ने कुछ लाइक बुरी तरीके से पकड़ना या बुरी तरीके से इनको रखना, मतलब मैं ऐसे वर्ड सोच भी नहीं सकती, शायद ऐसा कुछ रहा होगा जो इसके दिमाग में स्ट्राइक करता होगा। ये सबसे ज्यादा प्यार मेरे हस्बैंड को करता है, मतलब सीरियसली मेरे से भी ज्यादा। तो मैं कई बार हंसती हूँ कि मैं सिर्फ शुशु पॉटी उठाने के लिए हूँ तुम्हारे पास, हाँ तो सिर्फ उन्हीं को प्यार करना है, उन्हीं को उठाता है, मुझे नहीं उठाता है, मतलब उनको लिख करके मॉर्निंग में 6 AM उनको ही उठाएगा, मुझे नहीं उठाएगा। अगर वो घर पे नहीं है और मैं वहां सोई हूँ उनकी जगह, तो मुझे बिल्कुल नहीं उठाया जाएगा, बट उन्हीं को उठाया जाएगा। तो ये बस नेचर है, और आपको बॉन्ड इसी तरीके से होना है, कुछ नहीं करना है, बहुत नॉर्मल तरीका है, बहुत इजी चीज है। आपको बैठना है, उसको टाइम देना है, अपना फोन वोन जो भी कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप वहीं बैठ जाओ, उसको छोटा सा ट्रीट दो, उसको लगेगा अच्छा ये बंदा हमें प्यार करता है, हमें अच्छे से रखता है। प्यार की भाषा हर कोई समझता है, बिलीव मी, हर कोई समझता है।
आई होप आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करना, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इंडिया में जितने भी लोग हैं रैबिट रखते हैं, रैबिट को पालते हैं, वो उनको इतने प्यार से पाले कि मतलब लोग देखें उनको कि हाँ ये बहुत प्यारे हैं। आप सब्सक्राइब करें और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आती है उस पर हिट जरूर कर दीजिए। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ मेरा ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।